हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और पूजाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। ये ओरिगेनो लीव्स हैं, मेरे घर में पौधा लगा हुआ है ओरिगेनो का। इसे अजवाइन का पौधा भी बोलते हैं और इसके पत्ते थोड़े मोटे मोटे होते हैं। इससे हम बनाएंगे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। मेरे घर में हरी मिर्ची जो सब्जी के साथ आ जाती है वो रखे रखे रेड हो गई, फिर इसे मैंने धूप में सुखा लिया और इससे बनाएंगे चिली फ्लेक्स, जो कि दोनों ही घर से ही बन जाएंगे और हम किसी भी डिश में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तवे को सबसे पहले गरम कर लेते हैं और इन लीव्स को भी मैंने अच्छे से कपड़े से पूछ लिया है। इन पे धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है थी जो मैंने पूछ लिया अच्छे से। तो और तवे पे कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ तवे को गरम करेंगे और ये सारे लीव्स रख लेंगे हम और इन्हें फिर पलट पलट के हम पकाएंगे। आप चाहें तो खाना बनाने के बाद भी उस तवे पे रख सकते हैं, वो भी काफ़ी गर्म तवा रहता है तो उस पर बन जाएंगे। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन लो फ्लेम पे ही बनाएंगे इसे हम। इन्हें अभी हम पलट पलट के अच्छे से पकाएंगे। इतने ओरिगेनो के लीव्स तैयार होते हैं। इतने हम ये चिली फ्लेक्स बना लेते हैं। हम मिर्च को तोड़ेंगे और इसमें से बीज निकाल लेंगे। आप कोई भी पोलोथीन ले सकते हैं, बीज निकाल लें और उसके बाद उसमें हम फ्रेंड्स, मैंने छोटी सी पॉलीथीन ले ली है और इसमें हम इसे डाल देंगे। बीज हमने निकाल ही लिए हैं, कुछ होंगे तो इसमें आ जाएंगे और फिर हम इसे क्रश कर लेंगे ताकि हाथों में ना लगे। और इसे अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे क्रश कर लिया है अच्छे से। तो ये चिली फ्लेक्स तैयार हैं और इधर ओरिगेनो के जो लीव्स थे, ओरिगेनो के लीव्स भी अच्छे से सूख गए हैं तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन लीव्स को हम अच्छे से क्रश कर लेते हैं। अब तैयार हैं ये ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, जो कि हमें मार्केट से नहीं लाने पड़ेंगे। अभी ये मैंने ओरिगेनो के थोड़े से ही लीव्स लिए थे। अगर हमें ज़रूरत होगी, जैसे जैसे पौधे में लगेंगे, हम ज़्यादा लेके ज़्यादा मात्रा में भी बना के रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।